हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक, दैट इज सैनिटेशन। जो सैनिटेशन होता है, इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो जो सैनिटेशन होता है, इसका जो मेन होता है वो ये होता है कि जो हमारा सराउंडिंग एनवायरमेंट है उसे हम क्लीन रखना। मीन्स एक यदि सिंगल वर्ड के अंदर हम बात करें सैनिटेशन की, तो उसका मतलब होता है हाइजीन, मतलब साफ सफाई। जो हमारा सराउंडिंग एनवायरमेंट है इसे क्लीन करके हम बहुत सी डिजीज कंडीशन है जिनसे खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो सैनिटेशन होता है वो हमारी हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है, और जो सैनिटेशन है इससे हम इसको अच्छा करके हमारी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो यदि हमारा जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है, जो फिजिकल एनवायरमेंट है, जिसके अंदर वाटर, एयर, लाइट, वेंटिलेशन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यदि ये पोल्यूटेड होंगे तो ये हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। और यदि हमारी हेल्थ के ऊपर जो पोल्यूशन के कारण इम्पैक्ट डालेगा, उसके कारण बहुत सी डिजीज कंडीशन जो हमारी बॉडी के अंदर हो सकती है। अब यदि हम एनवायरमेंट को क्लीन रखेंगे, हाइजीन प्रैक्टिस यूज करेंगे, इससे हम हमारी हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं और हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो सैनिटेशन होता है, जिसका जो मतलब होता है हाइजीन, तो यदि हम प्रॉपर हाइजीन करते हैं तो इसके कौन कौन से तरीके होते हैं या टाइप ऑफ सैनिटेशन, कि सैनिटेशन कितने टाइप का होता है। यदि हम बात करें टाइप ऑफ सैनिटेशन में, तो देर आर मेनली 5 टाइप ऑफ सैनिटेशन: बेसिक सैनिटेशन, साइट सैनिटेशन, फूड सैनिटेशन, हाउसिंग सैनिटेशन और एनवायरमेंटल सैनिटेशन। अब हम फर्स्ट की बात करते हैं बेसिक सैनिटेशन। बेसिक सैनिटेशन का मतलब होता है कि बेसिक हाइजीनिक प्रैक्टिस। बेसिक के अंदर आता है कि प्रोविजन ऑफ टॉयलेट इन द हाउस टू एक्सक्रिएट द ह्यूमन फीसेज। जो ह्यूमन फीसेज होता है उसे जब हम जो घर के अंदर प्रोविजन होता है टॉयलेट का, उसमें एक्सक्रिएट आउट करते हैं, इससे हम बहुत सी जो डिजीज होती है, जो कंटामिनेटेड वो फीको ओरल रूट के कारण फैल सकती है, और जो फीकल रूट होता है उसके कारण फैलने के साथ साथ ही जो हमारे घर के अंदर यदि प्रॉपर हाइजीन नहीं रहेगा तो वो बहुत सी डिजीज को लीड कर सकता है। तो जो बेसिक सैनिटेशन का जो सिंपली मीन्स है वो यही है कि घर के अंदर जो टॉयलेट का प्रोविजन होता है, जहां पर हम एक्सक्रेट आउट करते हैं ह्यूमन फीसेज को, एक्सक्रेटा को डिस्पोज करते हैं, तो इसके कारण हम बहुत सी डिजीज से प्रिवेंट करते हैं। सेकंड नंबर है साइट सैनिटेशन। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी वेस्ट है, उसे एक पर्टिकुलर जो साइट होती है जहां पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो एक पर्टिकुलर डंपिंग साइट होती है जहां पर उस जो वेस्ट है उसे स्टोरेज किया जाता है, फिर वहां से आगे उसका फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जो घर होता है, तो बहुत से घर या फिर एक एरिया से या कम्युनिटी से जो वेस्ट होता है उससे एक्यूमुलेट करना, उसे इकट्ठा करना और उसको एक साइट के ऊपर ले जाके डंपिंग आउट करना, ये होता है साइट सैनिटेशन। और जो साइट पे हम डंपिंग आउट कर रहे हैं वहां पर भी हमें ध्यान रखना होता है कि जो आसपास का जो एरिया है वो उससे इन्फेक्ट नहीं हो, पॉल्यूटेड नहीं हो। नेक्स्ट वन इज फूड सैनिटेशन। फूड सैनिटेशन का मतलब होता है फूड की हाइजीन। अब फूड की हाइजीन का मतलब है कि जो हम जब खाना बना रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस मेकिंग ऑफ फूड और प्रिजर्वेशन, जब हम फूड को प्रिजर्व रखते हैं और जो भी फूड के इनग्रेडिएंट्स होते हैं उनका हम जब स्टोरेज करते हैं, तो इन सभी के टाइम पे यदि हम हाइजीनिक प्रैक्टिस का प्रयोग में लेते हैं, यूज में लेते हैं, तो हम बहुत सी डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो डिजीज कंटामिनेटेड फूड के कारण होती है उनसे स्पेशली हम इनसे प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द हाइजीनिक प्रैक्टिस। इसमें हम जो भी हाइजीनिक प्रैक्टिस है ये यूज में लेके इन जो डिजीज होती है फूड के कंटामिनेशन के कारण उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउसिंग सैनिटेशन। जो घर की साफ सफाई होती है, यानी डेली क्लीनिंग ऑफ द हाउस और क्लीनिंग ऑफ द वॉल्स, जिसके कारण बहुत से पॉल्यूशन के कारण हम प्रिवेंट, जो डस्ट वगैरह होती है इनसे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी सरफेस के ऊपर है उनको भी हम जो लाइजोल वगैरह का यूज करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये था हाउसिंग सैनिटेशन। इसका जो सिंपली मीन्स है वो यही है कि हाउसिंग मतलब घर और सैनिटेशन मतलब हाइजीन, तो घर की साफ सफाई। लास्ट वन इज एनवायरमेंटल सैनिटेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट, जो हमारा सराउंडिंग एनवायरमेंट है, और इसकी हमने पहले बात भी कर ली, फिजिकल एनवायरमेंट के अंदर वॉटर, एयर, लाइट, वेंटिलेशन, ये सभी इंक्लूड होता है। तो इन सभी फैक्टर की या इन सभी टाइप्स के जो हम पढ़े थे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन,
नॉइज पोल्यूशन, तो ये इन सबसे प्रिवेंट करके हम हमारी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं। और जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है, सराउंडिंग एरिया है, एटमोस्फियर है, यदि हम उसे प्रॉपरली क्लीन करेंगे, उसे प्रॉपरली सैनिटाइज करेंगे, तो बहुत सी एयरबोन डिजीज से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, इन सभी से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये था एनवायरमेंटल सैनिटेशन। तो हमने बात की है सैनिटेशन की, जिसका सिंपली मीन है हाइजीन। हाइजीन के हमने टाइप्स पढ़े कि कौन कौन से तरीके से या कौन कौन से मेथड के थ्रू हम हाइजीन करते हैं, एट द डिफरेंट टाइप। तो इसके टाइप थे बेसिक सैनिटेशन, जिसके अंदर हमने बात की कि जो टॉयलेट का प्रोविजन होता है, इसका एक एग्जांपल है बेसिक सैनिटेशन का। साइट सैनिटेशन, जो भी वेस्ट है उसे एक साइट के ऊपर लेकर जाना, उसका ट्रीटमेंट करना। फूड सैनिटेशन, जो फूड का स्टोरेज है, प्रिजर्वेशन है, और फूड मेकिंग एक प्रोसेस है, इसके टाइम जो हम हाइजीनिक प्रैक्टिस यूज करके बहुत सी डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। हाउसिंग सैनिटेशन, जो डेली क्लीनिंग ऑफ द हाउस, ये सभी हाउसिंग सैनिटेशन के अंदर इंक्लूड होता है। एनवायरमेंटल सैनिटेशन, जो एनवायरमेंट का सैनिटेशन है, हमारा जो सराउंडिंग एरिया है उसे हम क्लीन करके एनवायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सैनिटेशन, इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके सजेशन कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।